लोकनायक जयप्रकाश जिला नागरिक अस्पताल में आज 152 लाभार्थियों को कोरोना वैक्सीन कार्यक्रम के तहत टीके लगाए गए, जिनमें 82 पुरुष और 17 महिलाएं शामिल थी। ये जानकारी अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक हृदय एवं छाती रोग विशेषज्ञ और कोरोना वैक्सीनेशन कार्यक्रम थानेसर ब्लॉक के प्रभारी डॉक्टर शैलेंद्र मंगई शैली ने आज तीसरे चरण के छठे दिन के अभियान की समाप्ति के बाद दी। इस अवसर पर फार्मेसी अधिकारी सनी टकराल, संजीव सैनी, रुचि शर्मा, अनिल गोयल, नर्सिंग अधिकारी सीमा मंजू नैन, सविता शर्मा, आशा रानी, वर्षा, वीना बयाना, जिला मित्रता क्लिनिक की परामर्शक सोनिया स्तीजा, सीमा अरोड़ा, नेहा सैनी, अतुल शर्मा, राम मेहर, विकास मलिक, धीरज प्रजापत, कपिल सैनी, राजेंद्र कौर, नरेश शर्मा मौजूद थे। उन्होंने बताया कि इन लाभार्थियों में कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के पूर्व सदस्य एवं जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर सौरभ चौधरी, बीबीएम कॉलोनी के 83 वर्षीय मदन लाल, ज्योति नगर के 85 वर्षीय गोविंद राम, ज्योति नगर की ही 82 वर्षीय दर्शना गुलाटी, सेक्टर 13 से 83 वर्षीय केडीपी सिंह, आजाद नगर से 80 वर्षीय कौशल्या देवी, आरे वाली गली से 62 वर्षीय शरला, भगवान नगर कॉलोनी से 64 वर्षीय जगतार सिंह, गुरुकुल परिसर से 61 वर्षीय बलबीर, अर्बन स्टेट सेक्टर 13 से 65 वर्षीय आशा और यूनिवर्सिटी कॉलेज के क्षेत्र के वनस्पति विज्ञान के पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर एस के गोयल शामिल हैं। इनमें वरिष्ठ नागरिकों की संख्या 115 थी। डॉक्टर मंगई ने इस अवसर पर जनता से अपील की कि वे कोविड-19 में टीकाकरण करवाने के लिए कोविड पोर्टल पर जाकर स्वयं पंजीकरण करा सकते हैं और इसके अलावा आरोग्य सेतु ऐप और लोक मित्र केंद्र के जरिए भी पंजीकरण करवाया जा सकता है। कुरुक्षेत्र में बढ़ते कोरोना के मामलों के मद्देनजर उन्होंने जनता से अपील की कि वे इससे बचाव के तरीके मास्क, 2 गज की दूरी और हाथ धोने की तरफ विशेष ध्यान दें।